नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे मसले के साथ, एक ऐसे क्वेरी के साथ जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप अक्सर मुझे देते रहते हैं। और वो आप ये पूछते हैं कि मैम, हम कई सालों से, शायद कई पुश्तों से हम किसी प्रॉपर्टी में रहते हैं या किसी मकान में रहते हैं या फिर कोई ज़मीन है जो हमारे कब्जे में है बहुत सालों से, लेकिन उसके कागज़ नहीं हैं हमारे पास। हो सकता है कि आपके पास सिर्फ कब्जा ही हो कई सालों से और वो कभी खरीदी ही ना हो आपने, आपके पुरखों ने वो प्रॉपर्टी, या हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स की वो प्रॉपर्टी हो और आपसे वो कागज गुम हो गए हों या आपको कभी मिल ही नहीं पाए हों। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं लोगों के साथ कि वो प्रॉपर्टी में तो रह रहे हैं बहुत सालों से, प्रॉपर्टी उनके कब्जे में है बहुत सालों से, लेकिन उनके पास उसका कोई कागज नहीं है जिसकी वजह से वो मालिकाना हक नहीं जता पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे डील करने वाली हूँ कि अगर आप बहुत सालों से किसी प्रॉपर्टी में है और आप उसके कब्जे में हैं, लेकिन उसके कागज, उसके कागजात, उसके प्रॉपर्टी टाइटल डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो क्या आपका कोई राइट बनता है उस प्रॉपर्टी पे या नहीं, और राइट बनता है तो कैसे आप उस पे अपना हक जता सकते हैं, कब्जे को लेकर के क्या कानून है हमारे देश में। तो आज इसी टॉपिक पे बात होने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोज आपको रेगुलर मिलते रहें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो अपलोड का अपडेट, हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कब्जे का कानून क्या है, कैसे किया जा सकता है, अगर कागज नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो हमारे देश में जो ये कानून है इसको बोला जाता है एडवर्स पोजेशन। यस दोस्तों, एडवर्स पोजेशन अगर आपके पास है, यानी कि कब्जा है किसी प्रॉपर्टी का, तो लॉ ऑफ एडवर्स पोजेशन के तहत जो है आप उस पर अपना हक जता सकते हैं, आप उस पर अपना हक हासिल कर सकते हैं थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि आपको न्यायालय के पास जाके केस फाइल करना होता है और आपको वो हक मिल सकता है, मिल ही जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपका प्रॉपर हक होता है, उसमें बहुत सारे क्लॉजेज हैं कि आपका अनडिस्प्यूटेड अनहिंडर्ड कॉन्टिन्यूस पोजेशन अगर है, जो कि आपको कोर्ट में साबित करना होता है कि अनडिस्प्यूटेड है, अनहिंडर्ड है और कॉन्टिन्यूस पोजेशन है। इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी कि कोई भी अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी कि जो सरकार की नहीं है, किसी आम आदमी की हो सकती है, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा की प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली 12 साल से ज़्यादा आपके कब्जे में है, उस पे किसी ने आपके कब्जे में है कॉन्टिन्यूसली, मतलब लगातार, उसमें से आप बीच में कभी भी उसमें से आपका कब्जा हटा नहीं है, कॉन्टिन्यूसली 12 साल से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आपके कब्जे में है अगर प्रॉपर्टी, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस। देन आता है अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड मतलब कि किसी ने आपके कब्जे को हिंडर करने की, हटाने की, या अनडिस्प्यूटेड यानी कि डिस्प्यूट करने की, उस पे किसी भी तरह का दखल देने की कोशिश नहीं की और वो कॉन्टिन्यूसली बड़े स्ट्रेट अवे तरीके से आपके पोजीशन में है, तो आप कोर्ट में जाकर के सूट फॉर एडवर्स पोजीशन फाइल कर सकते हैं अपने न्यायालय में, जहां पे भी उस प्रॉपर्टी की ज्यूरिसडिक्शन बनती है। और अगर कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट को के आगे ये साबित हो जाता है कि आप कॉन्टिन्यूसली 12 साल से ज़्यादा अनहिंडर्ड अनडिस्प्यूटेड कॉन्टिन्यूस पोजीशन में है उस प्रॉपर्टी के, तो वो प्रॉपर्टी का हक, मालिकाना हक कोर्ट के थ्रू आपको मिल सकता है। ऐसे में आप उस प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हैं, गिफ्ट डीड, सेल डीड, कुछ भी कर सकते हैं थ्रू कोर्ट ऑर्डर, और आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो ज़बरदस्ती का कब्जा नहीं होना चाहिए, ट्रेसपास नहीं होना चाहिए, आप चोरी से नहीं घुसे होने चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक काफ़ी पुराना केस था जिसमें एक व्यक्ति ने अपने जो घर में काम करता था, उनका सर्वेंट था, उसको अपना तबेला दे दिया था कि तुम इसी में रहा करो और ये तुम इसे यूज़ किया करो और इसको यहाँ से तुम्हें कोई नहीं हटाएगा।
और फिर वो व्यक्ति जो है, वो जो सर्वेंट था, वो करीब 50 साल तक उसी तबेले वाले, जो तबेले का जो हिस्सा था, जो जमीन थी, उसी में रहता है। वहां पे वो अपनी झोपड़ी बना लेता है, वहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले लेता है, धीरे धीरे अपने एक दो गाय बछड़े भी पालने लगता है, उसकी शादी हो जाती है, वहां पे उसके बच्चे होते हैं, और कभी भी किसी ने भी उसको उस तबेले से हटाने की कोशिश नहीं की, कभी भी उससे कोई इसका किराया नहीं मांगा गया, कभी भी उसको ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया कि आपको यहाँ से हटना है और ये आपकी जगह नहीं है, ये हमारी है। तो वो लगातार रहते हुए वो ये मानने लग गया कि ये जमीन मेरी है, और क्योंकि वो लगातार रह रहा था, अनहिंडर्ड अनडिस्प्यूटेड पोजेशन था उसका, कॉन्टिन्यूस पोजेशन था इन 50 सालों का। तो जब जो उसका मालिक है मर गया, और उसके बच्चे, अल्टीमेटली उस मालिक के बच्चे जब उस जमीन का कब्जा लेने आए, तो ये साबित हो गया कि जो नौकर है वो सूट फॉर एडवर्स पोजीशन के थ्रू उस जमीन का मालिक हो जाता है, क्योंकि वो अनहिंडर्ड अनडिस्प्यूटेड पोजीशन में था। लेकिन यहीं पे अगर उसे बीच में कई बार हटाया गया होता उस जगह से, कहीं और रख दिया गया होता, और फिर वो वापस वहां पे रहने लगता, तो ये कॉन्टिन्यूटी टूट जाती, और 12 साल अगर लगातार वो साबित नहीं कर सकता था, तो फिर उसकी जो वो पोजीशन है वो नहीं मानी जाती। ठीक उसी तरह अगर उसको नोटिस दिए जाते खाली करने के हर 2-4 साल में, 5 साल में, तो ये अनहिंडर्ड या अनडिस्प्यूटेड पोजीशन नहीं माना जाता, और ऐसे में भी उसको एडवर्स पोजीशन का हक जो है नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसके पास कोई नोटिस नहीं था किसी तरह का, उसको हटाने की कोशिश नहीं की गई, और उसका कॉन्टिन्यूस पोजीशन था, तो सूट फॉर एडवर्स पोजीशन के अंडर उसको मालिकाना हक प्रॉपर्टी का मिल जाता है। ठीक ऐसे ही दोस्तों, अगर कोई टेनेंट है और वो लगातार आपको किराया दे रहा है, और आपके पास प्रूफ है कि वो किराया दे रहा है, तो ये उसका अनहिंडर्ड अनडिस्प्यूटेड पोजीशन नहीं माने जाएगा, ऑल्दो वो हो सकता है 50 या 60 साल से भी उस प्रॉपर्टी में कॉन्टिन्यूस पोजीशन में हो, लेकिन उसका, क्योंकि वो किराया दे रहा है, उसको कभी भी मालिक नहीं माना गया है उस प्रॉपर्टी के मालिक के द्वारा, और वो इस चीज का हर महीने वो साबित कर रहा है किराया दे करके कि वो सिर्फ एक किराएदार है, तो ऐसे में सूट फॉर एडवर्स पोजीशन एप्लीकेबल नहीं होता। जहां पे आप मालिक की तरह उस जमीन में रह रहे हैं, मालिक की तरह उसके कब्जे में हैं, और मालिक की तरह ही उसको यूज कर रहे हैं, जहां पे कोई भी आपके मालिकाना हक को डिस्प्यूट करने नहीं आता है 12 साल तक लगातार, तो ऐसे में आप एडवर्स पोजीशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी आपका मालिकाना हक डिस्प्यूट करता है, हिंडर करता है, या आपकी कॉन्टिन्यूटी टूटती है, तो आप सूट फॉर एडवर्स पोजीशन में नहीं आते। यहीं पे ये तो थी प्राइवेट जमीनों की बात, लेकिन यहीं पे अगर जमीन जो है वो सरकारी है, जहाँ पे कोई रह रहा है, ऐसे में एग्जाम्पल मैं बताऊंगी कि बहुत सारे ऐसे सरकारी लैंड्स हैं जो बैरन पड़ी होती हैं, और लोग वहाँ पे झुग्गियाँ बना के रहने लगते हैं, और फिर बहुत साल हो जाते हैं, तो वहाँ पे बिजली पानी कनेक्शन भी ले लेते हैं, टैक्सेस भी दे रहे होते हैं, तो अगर 30 साल से ज्यादा अनहिंडर्ड अनडिस्प्यूटेड पोजिशन होता है, तो ऐसे में, और कॉन्टिन्यूस पोजिशन होता है, तो ऐसे में सरकारी जमीन में भी आप सूट फॉर एडवर्स पोजिशन फाइल कर सकते हैं, और न्यायालय से गुहार लगा सकते हैं कि आपको मालिक डिक्लेयर किया जाए अंडर लॉ ऑफ एडवर्स पोजिशन। तो दोस्तों ये लॉ 12 साल जो है प्राइवेट लैंड पे एप्लीकेबल होता है, और सरकारी लैंड पे 30 साल एप्लीकेबल होता है, और इसी वजह से जब बैंक्स में प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने आप जाते हैं, यानी कि गिरवी रख के लोन लेने जाते हैं, तो बैंक अक्सर प्रॉपर्टी की जो सर्च करवाते हैं, टाइटल सर्च करवाते हैं, वो 13 साल या फिर 30 साल की करवाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कैसी प्रॉपर्टी है, कहाँ की प्रॉपर्टी है, अथॉरिटी की है, या फिर वो खसरा प्रॉपर्टी है और पुश्तों से चली आ रही है, तो ऐसे में डिपेंडिंग ऑन बैंक अक्सर 13 साल या फिर 30 साल की सर्च करवाते हैं, इसी लॉ ऑफ एडवर्स पोजिशन को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो प्रेजेंट मालिक है उसका कॉन्टिन्यूस 13 साल या फिर 30 साल का पोजिशन, अनहिंडर्ड अनडिस्प्यूटेड पोजिशन साबित किया जा सके, और बैंक इस चीज से निश्चिंत हो जाए कि इस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट नहीं है और ये व्यक्ति ही इस प्रॉपर्टी का मालिक है। तो दोस्तों जब आप कॉन्टिन्यूस पोजिशन में होते हैं, तो आप कोर्ट जा करके सूट फाइल कर सकते हैं, और अगर आपके फेवर में ऑर्डर आता है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने फैमिली में किसी को गिफ्ट डीड दे करके, सेल डीड दे करके आप टाइटल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, और एक बार आपके हाथ में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं और पोजेशन भी कॉन्टिन्यूस है,
तो आपको मालिक मानने से कोई रोक नहीं सकता है और आप उस जमीन के मालिक हो जाते हैं जिसके आपके पास अभी तक कोई कागज नहीं थे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा ख्याल।